हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। करने वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हम सभी को दिया है, ठीक है मेरे प्रियजनों? इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे मेरे प्रियजनों, ठीक है? क्योंकि वही अल्फा ओमेगा आदि और अंत है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है। पिता ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने कूड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। पहला यूहन्ना 5:11 वचन में ऐसा यीशु मसीह ने अपने कलाम में कहा है। मेरे प्रियजनों, वचन में जो लिखा है, वचन परमेश्वर है, वचन जीवित है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह से बोलना है, यीशु मसीह को पुकारना है। यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियजनों, सच्चे हृदय पूरे मन से पूरे प्राण से पिता से प्रेम करते हैं, यदि हम मर भी जाएंगे तो भी परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार जिलाएगा, जीवित करेगा अंत के दिनों में। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है उसे अनंत काल का जीवन दिया जाएगा, अजर मिरास का, जो कभी नाश नहीं होता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को दिया है, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में, इनाम में दे दिया। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियजनों, यदि आप संकट के समय यहोवा को पुकारोगे तो यीशु मसीह इतना महान पिता है, यदि आप विश्वास के साथ पिता को पुकारेंगे तो आपके जीवन में हमारा परमेश्वर काम करेगा। मेरे प्रियजनों, यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य को विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वह हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, वह हमारे जीवन में काम करेगा। हर एक मनुष्य को यीशु मसीह के पास आने के लिए हर एक मनुष्य को विश्वास करने की आवश्यकता है। उसे विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह है, वह जिंदा है, वह हमारे जीवन में काम करेगा परमेश्वर, वही हमारे पापों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियजनों, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास अधिकार है कि वही हम सभी के पापों को, अधर्मों को क्षमा कर सकता है। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है धरती पर जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार यीशु मसीह के पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हम सभी के पापों को क्षमा किया है। उसका पवित्र लहू है, यीशु मसीह का लहू बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मेरे प्रियजनों, जब बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबरा, मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आपको लास्ट तक सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है, ठीक है? जब आमीन बोलते हैं, आमीन बोलने से ये होता है, जो हमारी प्रार्थना होती है वो परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर अपने हिसाब किताब से दे देता है, ठीक है? हमें प्रार्थना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप महान हैं पिता, आप दयालु हैं पिता, आप करुणानिधि परमेश्वर हैं पिता, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, मेरे सेनाओं की राजा। मेरे पिता, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, पिता संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता, इसके लिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं पिता, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगान युग उठते रहता है पिता, जहाँ पर धनवान अभी भी मौजूद है पिता, वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता, वे चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे और कह रहे होंगे,
काश मेरा परिवार यहाँ पर ना आए मेरे प्रियजनों, मेरे पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है पिता, उद्धार किया, छुटकारा किया मेरे पिता। यीशु पापा आपने कहा है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। पिता आपने कहा है मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है। मैंने तेरा नाम लेके बुलाया यीशु पिता, आपने कहा है मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूँगा, मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह को पुकारिए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रिय पिता, पूरे विश्वास के साथ पिता, इन मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता जो टूट चुके हैं पिता, जो किसी बात को लेकर टूट चुके हैं पिता, जो रो रहे हैं पिता, जो बिलख रहे हैं पिता, जो खाट पे पड़े हैं, जो अपनी खाट आंसुओं से भिगोते हैं पिता, वे चिल्लाते हैं पिता अपनी बीमारियों को लेकर पिता, अपने कर्ज को लेकर पिता, अपने दुखों को बोझों को लेकर पिता, वे टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं, रो रहे हैं पिता। यीशु मसीह आप उनकी आस की किरण हैं पिता, मेरे प्रभु आप उनके जीवन में पिता अद्भुत काम कीजिए पिता, उनके जीवन में पिता आम मिराकल कीजिए पिता, वे पिता आजाद होने पाए पिता, हर एक बंधनों से आजाद होने पाए। आज़ादी को रसीब करो बोल कर अमीन, आज़ादी को रसीब करो बोल कर अमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक यीशु पापा। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे पड़े हैं पिता, जो बेड पे पड़े हैं पिता, इनके पेट में नाना प्रकार की बीमारियाँ हैं, इनके शरीरों में नाना प्रकार की बीमारियाँ हैं पिता, कैंसर है, गिल्टियाँ है, रसौलियाँ, पथरियाँ हैं पिता। मेरे पिता हम आपके दास होने के नाते यीशु पिता हम इनके जीवन में यीशु मसीह आदेश देते हैं, घोषणा करते हैं इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से वे बंधन जल जाएं, हर एक बीमारी के बंधन जल जाएं पिता, ये मसीह बाबा आजाद होने पाए, हर एक बीमारियों से आजाद होने पाए, हर एक दुखों से आजाद होने पाए, हर एक नाना प्रकार की महामारियों से बीमारियों से आजाद होने पाए। आज़ादी को रसीब करो बोल कर अमीन, आजाद जो बोल कर अमीन, आजाद जो बोल कर अमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक यीशु पिता, जो आपने मेरे पिता मेरे प्रभु इन मसीह बहन के जीवन में काम किया है, अद्भुत मिराकल किया है मेरे पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने नहीं है पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता, 1000 रुपए पर पिता, ये अन्य जातियों से उधार ले रहे पिता, सहायता मदद ले रहे मेरे पिता, ये किसी अन्य जातियों के सामने हाथ ना फैलाने पाए, ये 1000-100-200 रुपए पर पिता ये उधार ना लेने पाए किसी से मेरे प्रभु, ये अपनी बेइज्जती अपने हाथों से ना करने पाए सूरजा मेरे पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछा है मेरे परमेश्वर पिता। आप इनका जीवन चलाइए पिता, आप इनकी जीवन शैली चलाइए पिता, आप इनकी जीवन शैली को बदलिए मेरे पिता। मेरे पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे पिता आपके नाम से मांगते हैं यीशु पिता, हम आपके नाम से पुकारते हैं, हम ढूंढते हैं पूरे विश्वास के साथ पिता, मांगते हैं पिता इन मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता, आप काम करिए पिता, आप मिराकल कीजिए पिता। मेरे पिता की गरीबी को, तंगी को, परेशानी को यीशु मसीह आप दूर करिए पिता, आप दूर करने लगे परमेश्वर हैं, आप यहोवा जुलावर हैं पिता, आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है, कोढ़िए पाइजों को शुद्ध किया है, बैरों को सुनने की सामर्थ्य दिया है, अंधों को दृष्टि दिया है मेरे पिता, कोढ़ियों को शुद्ध किया है, अपाइजों को चलाया है मेरे पिता। मेरे पिता महान आश्चर्य काम करने लगे यहोवा जुलावर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया मेरे पिता, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता जिन मसीह भाई बहनों के घरों में पिता, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन है पिता, हर एक काला जादू के बंधन है पिता, हर एक कराधर के बंधन है पिता, हर गंदी आत्माओं के बंधन है, बस दुरूही चाले दुष्ट आत्माओं के बंधन, हर मलिच्छिन की आत्माएं पिता, हर गंदी आत्माएं इनके जीवन से भाग जाएं पिता, भाग जाएं यीशु मसीह के नाम से, वे भाग जाएं यीशु मसीह के नाम से, वे जल जाएं पिता, वे नष्ट हो जाएं, हर एक शराब के बंधन जल जाएं, हर एक रुकावट के बंधन जल जाएं, हर एक शराब के बंधन जल जाएं, हर एक कराधर के बंधन जल
जल जाएं, हालत जादू उठना के बंधन जल जाएं यीशु मसीह के नाम से, वे जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, मेरे पिता प्राण कहते हैं। उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों की कोखे बंद पड़ी हैं, वे कोखे फिर खुलने पाए, जो नसे बंद पड़ी है सुमसी के नाम से, वे नसे फिर से खुलने पाए। पिता जिन बहनों को बच्चे चाहिए, पिता उन बहनों को बच्चे दीजिए। पिता जिस प्रकार से सुमसी अपने सारों को बच्चे दिए थे पिता, उसी प्रकार से पिता इन बहनों को भी बच्चे दीजिए, संतान दीजिए। पिता जिन्हें चाहिए पिता आप उन्हें दीजिए। पिता वो फूल उगने पाए सुमसी के नाम से, पिता वो बच्चे की आशीष आने पाए मसीह के नाम से। पिता आदेश देते हैं उनके जीवन में, मेरे पिता, मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते हैं, मेरे परमेश्वर पिता जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, प्रभु मुझे पिता मुझसे आप विश्वास है। पिता का वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी। पिता मुझे आशा विश्वास है प्रभु आपने प्रण को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन।